प्रत्येक दिन में शुभ और अशुभ समय को लेकर आपकी क्या मान्यता है? मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस बात का मौका मिला कि मैं इस विषय पर कुछ अनुसंधान करूँ, और इसमें मुझे लगभग 50 लोगों ने बहुत मदद की। पिछले 22 वर्षों में मैंने उनके साथ मिलकर के ये जानकारी ली कि दिन भर में कुछ समय ऐसे आते हैं जिस समय हम अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें बहुत ही तकलीफें आती हैं, देरियां होती हैं, रुकावटें आती हैं, और कार्य किया हुआ कार्य फलित नहीं होता है। वहीं पर ये पाया गया है कि कुछ समय ऐसे आते हैं जिस समय अगर कार्य करते हैं तो वो फलीभूत हो जाते हैं, न उस समय हों लेकिन आने वाले समय में मालूम होता है कि उस समय अगर हमने कार्य किया है तो वो ज़रूर फलित होता है। इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव ऑवर के रूप में मैंने उसको बोला हुआ है, कहा हुआ है, और इसको हर रोज़ सैकड़ों लोग मुझसे इसकी जानकारी लेते हैं जिनको हम बताते हैं, और मैंने उनसे कहा हुआ है कि विशेष रूप से निगेटिव समय में, नकारात्मक घंटे में कोई कार्य न करें कि उसमें किया हुआ कार्य किसी रूप से भी फलित नहीं होगा, जबकि पॉजिटिव आवर में, सकारात्मक समय में अगर वो कोई कार्य करते हैं तो केवल उन्हें इंतजार करने की ज़रूरत है और वो उनका कार्य ज़रूर फलीभूत होगा। ये अनुसंधान पिछले कई वर्षों में कई लोगों के साथ मिलकर मैंने किया है। तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि किसी भी कार्य को करने का कौन सा समय शुभ या अशुभ है? इस बात की जानकारी के लिए तो आपको मुझसे संपर्क करना पड़ेगा, तभी आप ही जान सकते हैं। कोई उदाहरण से इसे कैसे स्पष्ट कर सकते हैं? मेरे एक मित्र हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, वो भी डॉक्टर हैं, उनका ऑपरेशन होना था। मैंने उनसे कहा कि इस विशेष घंटे में आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे। उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि एक घंटे के लिए मुझे छूट दे दीजिए, इसके बाद मेरा ऑपरेशन कीजिएगा। उसी दौरान में वहाँ एक बच्चा आया हुआ था जिसका ऑपरेशन होना था, उसका ऑपरेशन करते समय जो डॉक्टर्स वहाँ पे थे उन्हें बहुत बड़ी समस्याएं आईं, वो लोग अपने सर पे हाथ रख करके बैठ गए और डॉक्टर्स को कॉल किया गया। वो लोग आपस में विचार विमर्श करते रहे कि इस बच्चे का ऑपरेशन कैसे ठीक रूप से किया जाए। जब वो एक घंटा निकल गया उसके बाद वो उस ऑपरेशन को पूरा कर पाए। मेरे मित्र ने मुझको जानकारी दी कि अगर मेरा ऑपरेशन इस दौरान में हुआ होता तो मेरे साथ क्या घटित होता, जबकि वो उस बच्चे को देख रहे थे कि उस बच्चे के ऑपरेशन में उन डॉक्टर्स को क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। इसी संदर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उस नकारात्मक घंटे में अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट किया जाता है, अगर उसे एक हफ्ते में डिस्चार्ज होना है तो यकीन मानिए कि कम से कम 15 दिन उसको वहाँ लग जाएंगे और उसका इलाज भी सही रूप से नहीं हो पाएगा।